बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर लोगों ने जगह जगह उनकी प्रतिमा व फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। बरेली कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मोहन भटनागर चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर वंदना शर्मा के साथ कॉलेज पहुंचे। उसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प माला पहनाकर उनको स्मरण किया। वहीं कई जगह बाबा साहब को याद कर उनकी जयंती मनाई गई। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी बाबा साहब को याद कर उनकी जयंती मनाई। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मैं नदीम इकबाल, जी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमारी पार्टी एनडीए में शामिल है। आज क्या प्रोग्राम आपने किया है? आज मैंने प्रोग्राम किया है, हमारे माननीय श्री रामदास अठावले का आदेश था पुष्प वर्षा करके 129वें बाबा साहब अम्बेडकर की 129वीं पुण्यतिथि पर मुझे आज ये शर्फ हासिल हुआ कि मैंने माल्यार्पण किया और पुष्प वर्षा की और चरण स्पर्श किए। इसलिए मैं गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ। और बाबा साहब ने, और जो लोग बाबा साहब को ये कहते हैं कि सिर्फ दलितों के नेता, बाबा साहब दलितों के नेता नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नहीं विश्व के नेताओं में महान लेखक, विचारक व संविधान निर्माता हैं, जिनको मैं शत शत नमन करता हूँ। और ये कहता हूँ कि बाबा साहब के संविधान को अपनाने की कोशिश करें, संविधान पर चलें, लॉकडाउन का पालन करें। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।